राफ्टिंग वाली चुड़ैल। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। अरे क्या तुम लोगों को किसी के गाने की आवाज आ रही है? हाँ यार, बहुत ही मधुर आवाज है, सुनकर बहुत आनंद मिल रहा है। तुम दोनों मजनुओं को तो सिर्फ लड़कियों की ही आवाज आती रहती है, अरे इतनी रात में तुम्हारे लिए कौन गाना गाने बैठेगी यहाँ पर? तभी उन्हें गाने की दोबारा से आवाज आती है, जिसे सुनते ही वो दोनों कंचन से कहते हैं, तो मैं तो हमारी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ या कोई तो है। लेकिन कौन हो सकता है, रात के समय तो राफ्टिंग वाले एरिया के अंदर जाना बिल्कुल मना है। अरे यार, यहाँ पर कोई चुड़ैल तो नहीं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी राफ्टिंग के अंदर जाना तो अलाउड है नहीं, और हम इसके चारों तरफ घूमकर भी क्या कर रहे हैं? अभी तो कितनी डरपोक है। अरे अगर जिंदगी में कुछ पल मिल रहे हैं तो उन्हें अच्छे से जीना चाहिए, तेरी तरह डर कर नहीं। तुम पागलों जैसी बात मत करो और चुपचाप यहाँ से चलो। अगर तुम हमारे साथ नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन हम तो अंदर जा रहे हैं। कंचन की बात ना मानते हुए अर्णव और राघव राफ्टिंग वाले एरिया में चले जाते हैं। पीछे से कंचन भी उनके साथ आ जाती है। अंदर उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की नदी के अंदर राफ्टिंग करते हुए दिखाई देती है। अरे यार देख तो सही, क्या लड़की है, और देखो कितने आराम से राफ्टिंग कर रही है, इसको तो डर भी नहीं लगता। ये लड़की नहीं, ये तो सुंदरता की मूरत है, मूरत जितनी सुंदर उतनी ही दिलेर। लेकिन इतनी रात के समय ये यहाँ क्या कर रही है? देखो रात बहुत ज्यादा हो गई है, और टीचर ने हमें सख्त मना किया था कि रात के समय राफ्टिंग वाली जगह पर कोई नहीं आएगा, मेरी बात मानो और यहाँ से वापस चलो। तभी वो लड़की उन सभी को देखकर उनसे कहती है, अरे वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ पर आओ और मेरे साथ राफ्टिंग करो, इतनी सुहानी रात में राफ्टिंग करने का मजा ही कुछ और है। क्या तुम्हें रात के समय राफ्टिंग करते हुए डर नहीं लगता? वैसे तुम राफ्टिंग करते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाहिना है, और मुझे राफ्टिंग करना बहुत पसंद है, और रात के समय तो मुझे राफ्टिंग करने में बहुत मजा आता है, मैं यहाँ लोगों को राफ्टिंग भी सिखाती हूँ। तो फिर हमें भी राफ्टिंग करना सिखाओ, हम इतनी दूर से यहाँ राफ्टिंग करने ही तो आए हैं। अगर तुम्हें राफ्टिंग करनी है तो तुम मेरे पास आ जाओ। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मत जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, कहीं मत जाओ, चलो वापस चलते हैं। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, एक काम करो, यहीं पर बैठे हुए हमारा इंतजार करो, हम दोनों राफ्टिंग करके बस अभी आते हैं। इतना कहकर राघव और अर्णव राफ्टिंग करने के लिए शाहिना के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शाहिना उन्हें राफ्टिंग करते करते वहां से काफी आगे की तरफ ले जाती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद वो दोनों शाहिना से कई बार बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाहिना उन दोनों को कोई जवाब नहीं देती। तभी राघव कहता है, बहुत देर हो गई, तुमने इतनी देर से एक शब्द भी नहीं कहा, अरे ऐसे कैसे हमें तुम राफ्टिंग करना सिखाओगी? तभी शाहिना अचानक से एक भयानक चुड़ैल के रूप में अपना रूप धारण करती है और जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात है, तुम लोगों को यहाँ तक लाना तो बहुत ही आसान काम था, कितने प्यार से तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। चुड़ैल, अरे अर्णव कितनी भयानक चुड़ैल है ये, अरे अरे चल यहाँ से, कूद कर वापस चलते हैं। तभी अर्णव की नजर पानी के अंदर पड़ती है। अरे ये पानी है या फिर खून, जरा देख देख तो सही इस नदी के पानी को क्या हो गया है, इसके अंदर तो खून के उबाले लग रहे हैं। अरे मुरी मैया, अब तो हम मर जाएंगे, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, अब हम लोग क्या करें? बहुत शौक है ना तुम्हें राफ्टिंग करने का, आजा मेरे राजा तुझे राफ्टिंग सिखाऊं मैं। नारे नारे पापा ना, चुड़ैल मुझे तुझसे कोई राफ्टिंग नहीं सीखनी, अरे जाने तो मुझे यहाँ से। एक बार जो मेरे झांसे में आता है मैं उसे दोबारा यहाँ से कभी नहीं जाने देती, अब तुम दोनों यहाँ से कभी वापस लौट नहीं पाओगे। इतना कहकर चुड़ैल अर्णव और राघव के ऊपर हमला करने लगती है और देखते ही देखते उन दोनों को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ कंचन कई घंटों तक अर्णव और राघव के वापस लौटने का इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते उसे रात से सुबह हो जाती है और अर्णव और राघव वापस लौट कर नहीं आते, जिसके बाद वो अपने टीचर को बुलाती है और उनसे कहती है, सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे कई बार मना करने के बाद भी वो दोनों अंदर चले गए, लेकिन कल रात से उन दोनों का कोई अता पता नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखा, तुम सब लोगों ने अपने टीचर की बात न मानने का नतीजा, मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ घूमने आए। अरे नामुरादो, किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम लोग मुझसे, अब मैं आगे तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा कि ट्रिप के बहाने मैंने तुम्हारे बच्चे को गायब कर दिया? सर सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे दोस्तों को उस चुड़ैल ने
उनको छोड़ा ही नहीं होगा। इतना कहकर टीचर पुलिस को कंप्लेन लिखवा देता है, जिसके बाद राफ्टिंग वाले एरिया के चारों तरफ पुलिस राघव और अर्णव को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो दोनों उन्हें कहीं नहीं मिलते। उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो दोनों कहां गायब हो गए हैं। देखिए, अगर भी दोनों नहीं मिले तो इनके माता पिता स्कूल वालों के ऊपर केस कर देंगे, इसलिए आप उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए। मैं आपको अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर पुलिस वहां से चली जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे रात होने लगती है और इस बार टीचर पूरी निगरानी के साथ स्कूल के सभी बच्चों को उनके कमरों में भेज देता है, लेकिन कंचन अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए चुपके से वहां से निकल जाती है। मैं जानती हूँ कि मेरे दोनों दोस्त जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग उन्हें ढूंढना ही नहीं चाह रहे, इसलिए मैं खुद ढूंढूंगी उन्हें। इतना सोचकर कंचन राफ्टिंग वाले एरिया पर चली जाती है, जहां उसे वही चुड़ैल एक लड़की के रूप में दिखाई देती है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत भयानक चुड़ैल हो, लेकिन मुझे तुमसे जरा भी डर नहीं लगता। तुम बस मेरे दोनों दोस्तों को वापस लौटा दो, मैं यहाँ से उन्हें लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तू होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? तू जानती नहीं मेरे बारे में, मैं तुझे कच्चा ही अपने मुँह में निकल जाऊंगी। देख चुड़ैल, अगर तुझे मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मेरे दोनों दोस्तों को छोड़ दे। क्या बात है, क्या याराना है तेरा तेरे दोस्तों के साथ, लेकिन तू ये नहीं जानती कि आखिर हमेशा खास दोस्त ही हमारा साथ छोड़ते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आखिर तुम्हारे यहाँ होने की क्या वजह है? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? कुछ समय पहले मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की तरह इस राफ्टिंग वाले एरिया में घूमने के लिए आई थी। मैं रात के समय यहाँ पर राफ्टिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरे सभी दोस्तों ने मुझे मना कर दिया था, इसलिए उनके कई बार समझाने के बाद भी मैं रात के समय यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए निकल गई। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहे थे, जिसकी वजह से पानी के बहाव का मोड़ खाई की तरफ घूम गया। देखते ही कुछ ही समय में मैं पानी के बहाव की वजह से खाई में गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं यहाँ राफ्टिंग सिखाने के जरिए लोगों को पकड़ कर मार देती हूँ। इसमें मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम जो लोगों के साथ कर रही हो और बेकसूर लोगों को मार रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। तू होती कौन है मुझे यहाँ से भगाने वाली? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल कंचन को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर एक तांत्रिक बाबा को लेकर पहुँच जाता है। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल का शरीर अपने आप जलने लगता है और देखते ही देखते उसे वहाँ से मुक्ति मिल जाती है। रात के काले अंधेरे में एक आदमी एक पुराने घर की तरफ से जा रहा था कि तभी उसको किसी के रोने और सिसकने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए वह आदमी उस पुराने घर के अंदर जाता है। कौन है? उसके इतना बोलते ही वह आवाज अचानक ही बंद हो जाती है, जिसके बाद वह आदमी डरते हुए उस घर के अंदर जाता है कि तभी उस घर में एक दरवाजा खुलता है। जैसे ही वह आदमी उस दरवाजे की तरफ पलटता है कि तभी उस दरवाजे में से एक हाथ निकलता है और उस आदमी का पैर खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है और वह आदमी जोर से चीखता है। कुछ साल बाद दिल्ली शहर में वंश नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था कि तभी उसके पास एक अननोन कॉल आता है। हेलो, आप वंश बोल रहे हैं? आपकी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने गाँव आ जाइए। वंश उस अननोन आदमी से कुछ बोलता कि इतने में कॉल कट हो जाता है कि तभी तुरंत वंश अपने दोस्त दक्ष को फोन करता है। दक्ष, हमें अर्जेंटली गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम गांव नहीं गए तो मेरी नानी को कुछ भी हो सकता है। दोस्त, तू चिंता मत कर, हम आज शाम की ही गाड़ी से नानी के पास जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों फोन कट करके पैकिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। दक्ष वंश के पास आता है और दक्ष और वंश दोनों दोस्त गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। इस तरह अगले 4 घंटे बाद दक्ष और वंश दोनों ही सहारनपुर गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ही अजीबो गरीब आवाज आ रही थी। वह आवाज ना तो किसी जानवर की थी ना ही किसी इंसान की, ऐसा मानो जैसे कि कोई शैतान अपनी भयंकर आवाज में रो रहा हो। यार वंश, ये गाँव तो एक गाँव नहीं बल्कि भूतों का लोक लग रहा है। दक्ष, तू कैसी अजीबोगरीब बात करता है? रात का समय है और ऊपर से गांव भी है, होगा कोई जानवर। तुम सच में बहुत ही ज्यादा फट्टू हो। वंश इतना बोलता है और उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ निकल जाता है, जहां उसे अपनी नानी का घर दिखाई देता है। उस घर में से किसी के खूब जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी वंश और दक्ष नानी के घर में चले जाते हैं, जहां वंश अपनी नानी को आवाज लगाते हुए बोलता है, नानी नानी, देखो तुम्हारा वंश आ गया।
कहाँ हो नानी तुम? अरे बेटा तू आ गया, मैं तो तेरी राह कब से देख रही थी। अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गया। तुम दोनों यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर नानी वहाँ से चली जाती है कि तभी उनको एक बार फिर किसी के रोने की आवाज आती है। साथ ही उनके कमरे की खिड़की से किसी इंसान के सड़े हुए मांस की बदबू आती है। वहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा था। ये सब देख दक्ष वंश से बोलता है, वंश हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। अब तो ही देख यहाँ पर कितनी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को मार कर रखा हो। वैसे दक्ष तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, बदबू तो मुझे भी आ रही है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से नानी आती है और उनके हाथों में नॉनवेज की प्लेट थमा कर वहाँ से चली जाती है। नॉनवेज को देख कर वंश बोलता है, अरे वाह आज तो नानी ने भी नॉनवेज बनाया है। नानी के हाथ का खाना खाए हुए काफी समय हो चुका था। चल दक्ष अब अच्छे से नॉनवेज को खाते हैं। वह दोनों जैसे ही एक लेग पीस उठाते हैं और खाते हैं कि तभी उस लेग पीस में से खून टपकने लगता है और ये देखकर दक्ष बोलता है, वंश लगता है ये लेग पीस कच्चा है, तभी तो इस लेग पीस में से खून निकल रहा है। हाँ यार तू बिल्कुल सही बोल रहा है, खैर मुझसे तो ये खाया ही नहीं जा रहा है, मैं नहीं खा रहा इसे। इतना कहकर वह दोनों अपनी अपनी प्लेट को साइड रख देते हैं और सोने के लिए जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं कि उनके बिस्तर पर हड्डियां दिखाई देती हैं। ये देखकर दक्ष एक बार फिर वंश को बोलता है, यार वंश तू मान चाहे न मान लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। देख पहले तो वो आवाज जिसके बाद यहाँ पर इतना घना अंधेरा, फिर उसके बाद किसी के रोने की आवाज, फिर उसके बाद किसी मरे हुए इंसान की बदबू, फिर उसके बाद ये कच्चा नॉन वेज और अब ये हड्डियां। मैं तो अगली सुबह ही जा रहा हूँ अपने शहर। अरे दक्ष किसी बिल्ली ने खाकर यहाँ पर फेंक दिया होगा, तू इतना क्यों डर रहा है? मैं इस गंदी सी चादर पर नहीं सोऊंगा। अच्छा ठीक है जाकर तू नानी माँ से चादर ले ले। वंश की बात से दक्ष सहमत होता है और नानी माँ से चादर लेने के लिए जाता है। माँ नानी माँ यहाँ का चादर बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, क्या आप मुझे बिछाने के लिए एक चादर देंगे? बेटा तू अंदर आकर चद्दर ले जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। दक्ष कुछ नहीं बोलता और नानी माँ के कमरे में चला जाता है कि तभी दक्ष चीखने लगता है। वंश दक्ष का इंतजार कर रहा था लेकिन दक्ष अभी तक नहीं लौटा था और उसको ढूंढते हुए वह नानी माँ के पास जाता है और नानी माँ से बोलता है, नानी माँ। हाँ बोलो बेटा वंश। वंश अपनी नानी से कुछ बोलता कि इतने में उसकी नजर शीशे पर पहुंच जाती है जहां वह देखता है कि उसकी नानी माँ के भेस में नानी माँ नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। वंश बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन वंश अपने आप पर काबू पाता है और निडर होकर अपनी नानी माँ से बोलता है, नानी माँ यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, क्या आप मुझे लालटेन दे सकती हैं? क्या पता लालटेन की रोशनी से मेरा डर खत्म हो जाए। उसकी बात सुनकर नानी उसके हाथ में लालटेन देती है और थोड़ी देर बाद वंश उस लालटेन को ले जाकर उस लालटेन के मिट्टी का तेल गिरा देता है और उस घर में आग लगा देता है, जिसके बाद वह दौड़ते हुए घर के बाहर चले जाता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, बेटा तू मुझे अकेला जलता हुआ छोड़कर जा रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू मेरी नानी माँ नहीं हो सकती, तुमने मेरे दोस्त दक्ष को मारा है और तो और तुम एक चुड़ैल हो, बताओ आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो? बेटा मैं तुझे सारा सच बताती हूँ, कुछ साल पहले यहाँ पर तुम्हारे माँ बाबा ने अकेला छोड़ दिया था मुझे, मैं भूखी प्यासी तड़पती रही, भूख प्यास की वजह से मैं बीमार पड़ गई, इतनी बीमार कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की और इस तरह मैंने अपना दम तोड़ दिया, मैं मर गई लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए मेरे घर की तरफ से कोई भी आता या जाता तो मैं उसको खा जाती हूँ। पर नानी माँ अब आप इस दुनिया की नहीं हैं, आपको अपनी दुनिया में जाना ही होगा। इतना कहकर वंश वहाँ से अपने शहर चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल नानी जलकर मर जाती है। वंश अब इस काली रात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। अरे मोहन जल्दी से ये सट्टाबाजी हटाओ, इस पत्तों को जल्दी जल्दी हटा, रात के 10 बज गए हैं, वो आती ही होगी। अरे यार तू किसकी बात करता रहता है और तू इतना फट्टू क्यों है? भाई वो जुआ खेलने वाली चुड़ैल आ जाएगी और मेरी बात मान, अगर वो आ गई ना तो सच में उसके कहर से हमें कोई नहीं बचा सकता है। शेखर के इतना बोलते ही वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं में किसी के हंसने की आवाज भी गूंज रही थी। अरे शेखर
ये हमारे साथ कौन मजाक कर रहा है? आखिर कौन इतनी बुरी तरह से हंस रहा है? वो आ गई है, मैंने तुझे कहा था ना कि वो आ जाएगी। जल्दी से इस जुए को हटा दे, ये अपना सट्टाबाजी बंद कर दे, लेकिन तू नहीं माना, अब भुगत। चल चल चुप रह, पता नहीं फालतू की बकवास करता रहेगा। जब देखो तुझे अब हर जगह चुड़ैली दिखती है। उसे मरे हुए बहुत समय हो गया और मरा हुआ इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आता। मोहन जैसे ही ये बात बोलता है वैसे ही उसके कानों में हवा के साथ एक जोरदार आवाज आती है। मरा हुआ इंसान आता है मोहन, वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आता है। जैसे ही वो आवाज उनके कान में आती है मोहन अचानक ही पीछे पलटता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता और वह डरते हुए अपने ताश का पत्ता उठाता है और शेखर के साथ घर की तरफ निकल पड़ता है कि तभी मोहन के दोनों पैर कोई खींच कर उसे उल्टा लटका देता है। ये देख शेखर बहुत डर जाता है और शेखर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है कि तभी मोहन उसे पीछे से आवाज लगाता है। अरे शेखर भाई, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? बचा ले रे। अरे भाई मैं तुझे कैसे बचाऊं? मैं तुझे बोल रहा था ना कि जुआ खेलने वाली चुड़ैल आ जाएगी, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रहा था। अगर मैं तेरी जान बचाऊंगा तो मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। बाप रे बाप, भाई मैं तुझे नहीं जानता, कौन है तू? इतना कहकर शेखर भी भागने लगता है कि तभी चुड़ैल शेखर को भी मोहन के जैसे ही उल्टा लटका देती है और उसके सामने आकर उनसे बोलती है, क्या रे, जैसे ही 10 बजा वैसे ही तुम लोग अपना सट्टा उठाकर यहाँ से दम दबाकर भागने लगे। मेरा भी तो तुम लोगों के साथ खेलने का मन करता है, मैं भी तो जुए की शौकीन हूँ। हाँ, मानते हैं कि तू जुए की शौकीन है, लेकिन हमारा मन तेरे साथ खेलने का नहीं है, इसलिए हम तेरे साथ जुआ नहीं खेलना चाहते। अरे जुए वाली चुड़ैल, हम लोगों को छोड़ दे, आखिर हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वही जो तूने सोचा भी नहीं होगा, मैं हर उस जुएड़ी इंसान को मार दूंगी जो सट्टा खेलता है, जो जुआ खेलता है और मुझे पूछता तक नहीं। अरे पागल चुड़ैल, एक बात बता, लोग इंसानों के साथ जुआ खेलना पसंद करेंगे या चुड़ैल के साथ? अरे हमें छोड़ दे, हमें क्यों मार रही है? कभी नहीं, मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे जुए के लिए पूछा भी नहीं। शेखर और मोहन दोनों ही अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन चुड़ैल उनके ऊपर तरस नहीं दिखाती और उन्हें बेरहमी से मार देती है और वहां से हंसते हुए चली जाती है। इस तरह अब दिन गुजरने लगे और चुड़ैल का ये मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर रात 10 बजे चुड़ैल गांव में आती और जिसको भी जुआ खेलते हुए देख लेती उसको मौत के घाट उतार देती। एक दिन प्रेम नाम का एक लड़का वहां आता है और अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है। प्रेम को देख वहां पर एक बार फिर तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस हवाओं में एक बार फिर किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगती है। तो आज तुम लोगों की बारी है, आओ अब तुम भी मेरे शिकंजे में आओ, तुम भी अब बहुत जल्द ऊपर पहुंचने वाले हो। कौन है? मैं पूछता हूँ, यहाँ कौन है जो हम लोगों को जुआ नहीं खेलने दे रहा? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तुझे डर नहीं लग रहा क्या? तू तो निडर होकर मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा है। तू मुझे इकलौता मर्द लग रहा है, इसलिए तेरे मरने के पीछे क्या राज है वो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं इसी गांव में थोड़ी बिगड़ैल किस्म की लड़की थी। मुझे हर एक इंसान बोलता था कि ये बिगड़ी हुई है, मुझे हर इंसान समझाता था कि मेरे लिए बुरे ऐब सही नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं हर रात लड़कों के साथ जुआ खेलती रहती थी। मेरे माँ बाबा मुझसे बहुत परेशान हो गए और परेशानी में आकर उन लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन मुझे तो भी अकल नहीं आई। मैं फिर भी लड़कों के साथ जुआ खेलती रहती थी। ऐसे ही एक रात की बात है, मैं कुछ गुंडों के साथ जुआ खेल रही थी। हर बार मैं उस जुए में जीत रही थी और उन गुंडों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो लोग नशे में चूर थे और इसलिए उन लोगों की नीयत मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। जुआ खेलते खेलते वो मुझे छेड़ने लगे। अरे मेरे जानू, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा तेज दिमाग की लड़की हो। अरे तुम लोगों ने तो हम लोगों को हरा दिया, एक लड़की होकर लड़कों को मात दे रही हो तुम। ऐसी तेज तर्रार लड़की को मैं तो नहीं छोड़ रहा भाई, इस लड़की से इसका दिमाग तो लेना ही पड़ेगा। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेलने के लिए आई हूँ ना, कि खुद का दिमाग और खुद को शेयर करने के लिए आई हूँ? चुपचाप पैसा निकाल और निकल यहाँ से। उसकी ये बात सुनकर उन गुंडों को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे वहीं मार देते हैं। तो ये थी मेरी कहानी। उस दिन मैं तो मर गई, लेकिन मैंने कसम खा ली कि अगर कोई भी रात के समय जुआ खेलेगा तो उसे मेरे साथ भी खेलना होगा, और अगर वो मेरे साथ नहीं खेलेगा तो वो सीधा ऊपर जाएगा।
अरे ठीक है, लेकिन तेरा लोगों को मारना सही नहीं है। यदि किसी को तेरे साथ नहीं खेलना है तो क्यों खेलेगा? अरे तू अपने एंजॉय के लिए इन मासूम लोगों को क्यों मार रही है? तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन गलती भी तो तेरी थी, और जिसने तेरे साथ गलत किया तू उन्हें जाकर मार, हमें नहीं। अरे मूर्ख इंसान, मैंने अपने कातिलों को कब का मार दिया, लेकिन मुझे फिर भी शांति नहीं मिल रही। मुझे एक बार अच्छे से सट्टा खेलना है, और मेरे साथ कोई सट्टा नहीं खेलता। अगर मेरे साथ कोई एक बार अच्छे से सट्टा खेल लेगा तो मैं अपने आप यहाँ से चले जाऊंगी। मुझे जिसने हरा दिया मैं उसी की बात मानूंगी। ठीक है, मैं तेरे साथ जुआ और सट्टा खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसे वादा कर कि तू एक गेम खेलने के बाद यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। चुड़ैल अब उसकी बात से सहमत हो जाती है, और इस तरह चुड़ैल के साथ प्रेम जुआ और सट्टा खेलने लगता है। उन दोनों की गेम काफी देर तक चली, जिसमें चुड़ैल हार जाती है और प्रेम जीत जाता है। खुद की हार देखकर चुड़ैल अब वहां से अपने आप चली जाती है, और अब उस गांव में चुड़ैल का साया किसी को भी नहीं दिखा, और ना ही किसी भी इंसान की मौत हुई। और इस तरह उस गांव में रात के समय लोगों ने जुआ और सट्टा खेलना भी बंद कर दिया। रात के समय गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल जंगल के गांव की तरफ आ रही होती है, जिसके भेजे में कुल्हाड़ी लगी होती है। कहां गए गांव के सभी लोग? मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे जब तक किसी का भेजा नहीं खाऊंगी, तब तक मेरे भेजे में भेजा नहीं आएगा। तभी वहाँ एक लड़का साइकिल से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, ओए सर्किट, अपने गधे पर बैठकर कहाँ जा रहा है? जरा मेरे पास तो आ, मुझे तेरा गरम गरम भेजा खाना है। चुड़ैल को देखते ही वो लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मोरी मैया, कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, हीता हमका मार देगी। कहाँ जा रहा है तू? मैं तेरा भेजा खाऊंगी और फिर अपना भेजा बढ़ाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने सिर से कुल्हाड़ी निकालती है, और उस कुल्हाड़ी से उस लड़के का भेजा काटकर खा जाती है, और कुल्हाड़ी को वापस अपने भेजे में लगाकर वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस लड़के की लाश को गांव में देखते हैं, तो सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये का हुई गवाह भैया भीमा? अरे मन्ने के बेरा, अरे भीड़ लाग रही थी तो मन्ने सोचा कि देख लूं के हो रहे आए आड़े, लेकिन आड़े तो छोरा मरा पड़ा है। अरे भाजी, इतनी बुरी तरह कौन मार सकता है बेचारे नू? तुसी पुलिस नू फोन करो जी, वही ये गलता पता लगा सकते हैं जी। सही कहा है हैरी बेटा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देखो जरा, किसी ने इसका सर फाड़ दिया है। गांव के सभी लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उस लड़के की लाश की छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस वालों को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। सर अब क्या बताएं, बॉडी के ऊपर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है, और ना ही किसी कातिल ने अपना सबूत छोड़ा है। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इस लड़के की मौत किसने की और क्यों की, लेकिन इसके सिर पर लगे घाव से ये पता चलता है कि किसी ने इसको कुल्हाड़ी से मारा है। मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो हाथ आता ही है, इसलिए तुम लोग सतर्क रहो। पुलिस गांव के चारों तरफ पहरा देती है, जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है, और रात के समय जंगल से चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में वापस आती है। भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, आज मैं खाऊंगी भेजा फ्राई, मगर खाऊंगी कैसे? यहाँ तो गाँव का एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करूं? तभी भयानक चुड़ैल जग्गू के घर जाती है और उसका दरवाजा बजाने लगती है। जैसे ही जग्गू को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है, वो दरवाजा खोलने चला आता है, लेकिन दरवाजे पर चुड़ैल को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल, अरे भैया कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, अरे भीमा भैया कहाँ गए? जग्गू के शोर मचाने से गाँव के सभी लोग जग्गू के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन सभी जग्गू को बचाने के लिए चुड़ैल का सामना करने के लिए आ जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, पूरे धुर्राटे काट रही है, चली जाए यहाँ से, ना तो उल्टे पैर तेरी गर्दन में बांध दूंगा, फिर करती रहियो। ले भैया ओम फो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ,
अगर तूने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की तो तेरा भेजा फ्राई बनाकर यही खा जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे दर्राटे काटेगा। हेलो भैया, कर लो बात, ये चुड़ैल सानू चैलेंज दे रही है। रुक जा भाई, इसका भेजा फ्राई तो मैं निकालूंगा अभी, फिर करेगी ये चुड़ैल कच्चा बादाम और कच्चा बादाम। भीमा एक मशाल जलाते हुए चुड़ैल के पास आने लगता है, लेकिन चुड़ैल आग से डरकर अपनी शक्तियों के द्वारा हवा में गायब हो जाती है और गायब होकर जंगल की एक गुफा में पहुंच जाती है। अरे ये गांव वाले तो मुझसे डर ही नहीं रहे हैं। अगर मैंने इनका भेजा नहीं खाया तो मेरे भेजे का भेजा फ्राई हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल को अपनी गुफा के बाहर एक हाथी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी गुफा से बाहर आती है और हाथी को देखकर कहती है, भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, आज मैं खाऊंगी भेजा फ्राई। गांव के लोगों का ना सही, इस हाथी का ही भेजा निकाल कर खा जाऊंगी। ये सोचकर चुड़ैल अपने सिर से कुल्हाड़ी निकालती है और हाथी के भेजे पर मार देती है, जिसके बाद वो हाथी का भेजा निकाल कर बड़े शौक से खाने लगती है। वहीं गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव के लोगों का भेजा निकालने वाला कोई मुजरिम नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जिसको गांव से भगाने के लिए गांव के सभी लोग अगले दिन सुबह एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है, तांत्रिक जी मदद कीजिए, हमारे गांव को बचा लीजिए, नहीं तो वो भेजा खाने वाली चुड़ैल हमारे गांव का सर्वनाश कर देगी। तो बाबा जी तुझसे तो ज्ञानी हो, जे थोड़ी सी मदद हमारे गांव वालों की करोगे तो ऊपर वाला तनु ढेर सारा ज्ञान बख्शेगा। तुम गांव वालों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं उस भेजा खाने वाली चुड़ैल को तुम्हारे गाँव से आजाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम सब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। बस रात होने का इंतजार करो, लेकिन याद रहे रात होते ही तुम में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने घर में जाकर सो जाते हैं और आधी रात के समय तांत्रिक बाबा गांव में पहुंचते हैं और चुड़ैल के आने से पहले एक विधि शुरू करते हैं। ओम नमो 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 नमः, चुड़ैल प्रकट हो, ओम नमो 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 नमः, चुड़ैल प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल के सिर में लगी हुई कुल्हाड़ी को देखकर उससे पूछता है, मुझे लगता है कि तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता, आखिर ये तेरे भेजे में कुल्हाड़ी किसने मारी है? तुझे से पाखंडी नहीं, मेरे सर में ये कुल्हाड़ी मारी है। पूरी बात बता चुड़ैल, आखिर तेरे साथ क्या हुआ था और तू क्यों इन गांव वालों का भेजा खाती है? मैं गरीब परिवार से थी, गांव के लोग मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाया करते थे, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए जंगलों से लकड़ी काट कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी, इससे मेरे घर का खर्चा पानी निकल जाया करता था। एक दिन रात के समय बहुत जोरों से आंधी चल रही थी और मुझे घर के लिए देरी हो गई थी, मैं भीगी हुई जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी, लेकिन उसी समय जंगल के अंदर मुझे कुछ लकड़हारों ने घेर लिया था, उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। बचकर कहा जाएगी, तेरी वजह से हमारे जंगल की लकड़ियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग लकड़ियां बेच नहीं पाते, हमारे हिस्से की भी तो खा रही है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन सभी लकड़हारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, उसे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक लकड़हारे ने उसके भेजे में कुल्हाड़ी मार दी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और आत्मा को भेजा खाने की तड़प होने लगी, जिसके बाद गाँव के लोगों का उसने भेजा खाना शुरू कर दिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, लेकिन चुड़ैल तो इन गांव वालों को बेवजह ही मार रही है, इनका कोई कसूर नहीं है, अब तो इन गांव वालों को छोड़ दे और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा, वरना मुझे मजबूरन तेरी इस तड़प को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा। तू कौन होता है मुझे धमकी देने वाला? तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ,
मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक को ना चाहते हुए भी चुड़ैल को गांव से भगाने के लिए मंत्रों के उपचार द्वारा चुड़ैल को कैद करना पड़ता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा चुड़ैल तांत्रिक की कांच की बोतल में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उस बोतल का ढक्कन लगाता है और उसे कैद करके अपने साथ ले जाता है। और तांत्रिक के साथ साथ गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। चुड़ैल का इंतकाम। टेक इट इजी राहुल, बस हो गया। निवेदिता, इसे मैं हैंडल करता हूँ, तुम जाकर वार्ड नंबर 5 के पेशेंट को इंजेक्शन दे दो। ओके डॉक्टर। अस्पताल का वेटिंग एरिया एकदम खाली था। जैसे ही हॉल में टंगी घड़ी की तीनों सुई 12 पर पहुंचती है, टक टक की आवाज गूंज उठती है। उफ, इस आवाज ने तो मुझे डरा ही दिया। कॉरिडोर के चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अस्पताल के चारों ओर घने काले बादलों ने जमावाड़ा लगा रखा था। साथ ही चमगादड़ की बड़ी सेना चीख चीख कर कोहराम मचा रही थी। पेड़ जोर शोर से डोल रहे थे। ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? वो सब कुछ नजरअंदाज करके चलने लगती है कि अचानक एक जली हुई चुड़ैल न जाने कहां से प्रकट होकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है? वो तेजी से पीछे पलटती है, तभी चुड़ैल छत से चिपक जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अस्पताल की खिड़कियां जोर शोर से खड़कने लगती है और बत्तियां जलने बुझने के साथ माहौल एकदम डरावना हो जाता है। डर के मारे निवेदिता की अंतड़ियां अंदर ही अंदर सूखने लगती हैं। कौन है यहाँ? अचानक एक डरावनी आवाज उसके इर्द गिर्द गूंजने लगती है। वो माथे से पसीना पोंछती है कि चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, अपनी जान की सलामती चाहती है तो भाग जा यहाँ से। चुड़ैल बचाओ, हेल्प मी, अरे अस्पताल में चुड़ैल घुस आई है, बचाओ। बंद कर गला फाड़ना, जिंदगी से प्यार नहीं है क्या जो एक चुड़ैल से मुंह चोरी कर रही है? भाग जा वरना मारी जाएगी। मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। नर्स फुर्ती से उठकर अस्पताल से भाग निकलती है। नहीं छोड़ूंगी, मरेगा वो मरेगा, अब ये चुड़ैल अपना इंतकाम लेकर रहेगी। आखिर कौन है ये चुड़ैल जो अस्पताल में हाहाकार मचा रही है? जानने के लिए कहानी में बने रहिए। ये कहानी है शहर से दूर बसे मालवा गांव की, जहां कोई भी अस्पताल नहीं था। पर एक रोज, लीजिए सरपंच जी, मिठाई खाइए। यह मिठाई किस खुशी में है आखिर? सरपंच जी, एक तो सालों बाद सरकार की नजर हमारे मालवा गांव पर पड़ी, तब जाकर यहाँ संजीवनी अस्पताल की नींव पड़ी और हमारी बेला की उस अस्पताल में नर्स की नौकरी लगी है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। बिना माँ बाप के भी इसने हमेशा से ही इस गांव का नाम रोशन किया है। सरपंच काका, माँ बाबा के जाने के बाद आप सभी लोगों ने तो मुझे पाला पोसा। आज बेला का अस्पताल में पहला दिन है, जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिकेत से होती है। हेलो मिस बेला, वेलकम टू संजीवनी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर अनिकेत। अस्पताल के ओपनिंग के पहले दिन से ही डॉक्टर अनिकेत बेला की खूबसूरती का कायल हो जाता है। नीली आंखें, सफेद दूधिया रंग, लंबे बाल उसके रूप में चार चांद लगा रहे थे। समय गुजरता गया और दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। फिर एक रोज डॉक्टर एक कॉरिडोर में उसे हग करता है। कौन है? मेरे अलावा हो भी कौन सकता है मेरी गुलजार। अनिकेत, क्या कर रहे हो? ये अस्पताल है, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तो देख लेने दो, प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं। कुछ ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं। फिर एक रोज बेला का फोन आता है। बेला, जल्दी से बेसमेंट में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस वक्त क्यों? रात के 10 बज रहे हैं अनिकेत। अभी नहीं, मैं पेशेंट्स का चेकअप कर रही हूँ, फिर उन्हें मेडिसिन भी देनी है। वो सब मुझे नहीं पता, अगले 2 मिनट में तुम यहाँ आ रही हो। अचानक अस्पताल के बाहर घनघोर बरसात शुरू हो जाती है और बेला चोरी छिपे आकर कहती है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अनिकेत उसको अपनी तरफ खींच लेता है कि बेला उसको झकझोरते हुए कहती है, अनिकेत ये ठीक नहीं है। प्यार करने वालों के बीच में
ये आम बात है। अनिकेत, हमारे बीच बहुत बड़ा फासला है। तुम संजीवनी हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर हो और मैं कहाँ छोटी मोटी नर्स। बेला, मैं तुमसे शादी करूंगा, यकीन करो मेरा। ये सुनकर बेला की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है, जिसके बाद दोनों तमाम दायरों को मिटाकर एक हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद बेला को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, पर किसे पता था कि शादी मौत में बदलने वाली है। गांव में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। दुल्हन के जोड़े में बैठी बेला कहती है, अनिकेत मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। वो दौड़ते हुए अनिकेत के घर आती है, पर वहाँ ताला लगा होता है। लगता है अनिकेत अस्पताल में है। वो अस्पताल पहुंचती है, जहां अनिकेत केबिन में लेटा होता है। अनिकेत, मैं कब से वहां मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। किसने कहा था मेरा इंतजार करने को? हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ, बेला अनिकेत का कॉलर पकड़कर कहती है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया, नीच कमीने? एक सीनियर डॉक्टर का कॉलर पकड़ने की बदतमीजी मत करो जाने मन, मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। कह दो कि ये झूठ है अनिकेत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रिलैक्स, इतना पैनिक मत हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेडिसिन खाओ और अपने पेट में पल रही पाप से छुटकारा पाओ। झूठे मक्कार फरेबी, तुमने मेरा फायदा उठाया, मैं पूरे अस्पताल को चीख चीख कर तुम्हारी करतूत बता दूंगी। बौखलाया डॉक्टर केबिन की ड्रॉ में पड़े इंजेक्शन को उसकी गर्दन की नस पर बेरहमी से मारकर कहता है, ओ नो, ये तो मर गई। अगर इसकी शक्ल पहचान में आ गई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, क्या करूं। फिर वो उसकी लाश को घसीटकर हॉस्पिटल की लैब में लाकर उसके चेहरे को एसिड से जलाकर कहता है, अब तुम्हारा चेहरा कोई नहीं पहचानेगा, गुड बाय स्वीट हार्ट। डॉक्टर, आज तू जान से जाएगा। आ रही हूं मैं तेरी मौत बनकर। चुड़ैल अस्पताल के सभी कमरों को खोल खोल कर डॉक्टर को खोजने लगती है। कहाँ चुप कर बैठा है ये डॉक्टर आखिर। चुड़ैल सर्जरी रूम में पहुंचती है, जहाँ स्ट्रेचर पर एक मरीज लेटा हुआ था। अच्छा, तो तू यहाँ है डॉक्टर। नर्स, जल्दी से इंजेक्शन पास करो, चुड़ैल खूंखार आवाज के साथ कहती है। ये लो डॉक्टर, इंजेक्शन। डॉक्टर की नजर चुड़ैल के अध जले हाथों पर जाती है, जो खून से सने हुए थे। चुड़ैल, बचाओ बचाओ। वो ऑपरेशन थिएटर से निकलकर भागने लगता है कि चुड़ैल उसको आगे से घेर कर कहती है, भागने की इतनी भी क्या जल्दी है। चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से डॉक्टर को स्ट्रेचर पर सवार करके उसको लिए भागने लगती है। डॉक्टर चीखते हुए कहता है, बचाओ, गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। अचानक एक वार्ड बॉय चुड़ैल को ललकारते हुए कहता है, रुक जा शैतानी चुड़ैल, क्यों मचा रही है ये आतंक, मैं कहता हूँ छोड़ दे साहब को, वरना जान से जाएगी। अब तू मुझे रोकेगा, मामूली से इंसान। मुझे सिर्फ इससे अपना इंतकाम लेना है, तू मेरे बीच में मत पड़, वरना खामखा मारा जाएगा। चुड़ैल अपने हाथों को बढ़ाकर उसे झन्नाटेदार करंट लगाकर कहती है, ये तो सिर्फ मामूली सा डेमो था, अगर तूने अभी मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वार्ड बॉय दौड़ते हुए गांव से लोगों की मदद लेकर अस्पताल पहुंचता है। सरपंच जी, यही है वो दानव चुड़ैल जो अस्पताल में दहशत मचा रही है। अरे बेरहम चुड़ैल, ये अस्पताल हम गरीब गांव वालों का एकमात्र सहारा है, क्यों भगदड़ मचा रखा है यहाँ। चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आकर दोबारा चुड़ैल बन जाती है। अरे ये तो हमारी बेला है। सरपंच काका, इस नीच डॉक्टर ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर मेरा फायदा उठाकर मौत के घाट उतार दिया, आज मैं इसे मार डालूंगी। रुक जा बिटिया, तू इस दरिंदे के खून से अपने हाथ मत रंग, इसकी सजा कानून इसे देगा। डॉक्टर उनको बातों में उलझा हुआ देख भागने लगता है, तभी चुड़ैल हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोचते हुए जमीन पर पटक कर कहती है, मुझसे बचकर कहां भाग रहा था तू। सरपंच जी, इसने मेरी लाश को बेसमेंट के खाने में छुपाया है। सभी जन उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस तहकीकात के द्वारा बेला की खोखली जली लाश को खोजने में सफल हो जाती है, जिसके बाद अदालत उसे ताउम्र कारावास की सजा सुनाती है। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब जिंदगी भर तू यहीं सड़ेगा। और इस तरह चुड़ैल की भटकती आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब कभी भी संजीवनी अस्पताल में किसी मरीज को आधी रात मदद की जरूरत पड़ती, तो वो चुड़ैल नर्स के रूप में आकर उनकी देखरेख किया करती थी।
Ha 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 ha!